तो कैसे आप लोग पहुंच गए हैं बहरीन सिटी सेंटर में, और काफ़ी बिल्कुल इंडिया की तरह लग रहा है ये, स्पेशली मुंबई की तरह छोटी छोटी रोड है और सिंगल लेन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो बहरीन सेंटर खूबसूरत बनाया है वैसे इन्होंने, अच्छा लग रहा है ये प्लेस, अच्छा है। रश है, रश तो नहीं कहेंगे, रश तो नहीं आज है, आज बिल्कुल रश नहीं है। और आप देखें तो मेरे फ्रंट साइड में, बैक साइड में ये स्ट्रीट है, इधर गली है, मेरे पीछे भी गली है, और ये पीछे भी जब देखेंगे आप तो इस तरह से छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी गली नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। तो इससे हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको ले चलते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर कराते हैं सिटी को। तो ये काफ़ी खूबसूरत मस्जिद थी बड़ी वाली, मैंने सोचा कि आपको इसका दिखा देते हैं सामने सिटी सेंटर की तरफ। सिटी सेंटर मस्जिद मेन, और काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया है यहाँ पे, ये सामने छोटी छोटी गलियाँ हैं की तरह, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ भी इस तरह से। तो अभी स्ट्रीट पे चल रहे हैं, बिल्कुल सिटी सेंटर है ये, शहर का कैपिटल मनामा का। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, बहुत सारी शॉप्स क्लोज हैं, और फ्राइडे स्पेशली तो ओपन होना चाहिए लेकिन फिर भी क्लोज हैं। और छोटी छोटी गलियाँ हैं, प्लांट भी बनाए गए हैं, आप देखेंगे हर तरफ तो आपको लगेगा कहीं आप और आ गए हैं। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर चीज़। ये सामने पुलिस स्टेशन है, सॉरी। दोस्तों सूप में आपका स्वागत है, बहरीन के सूप में ले चलते हैं, वॉक करते हैं, आपको दिखाते हैं। हैंडीक्राफ्ट की शॉप वगैरह यहाँ पे पीछे है मेरे, तो ये है अब तक का सीन है। हाय बेटा, अरुष चिल्ला रही पीछे से। तो काफ़ी पुराना मार्केट लग रहा है मुझे, तो शॉप से चलिए दिखाते हैं अंदर में क्या सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। और इंडियन क्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आप देखेंगे तो। और स्पेशली ये केटली का सेट है यहाँ पे चाय के लिए। तो दोस्तों ये रहा सूक, सारी पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं, कारपेट्स वगैरह की। तो माहौल तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सूक वगैरह, हैंडीक्राफ्ट की शॉप वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरे पीछे देखेंगे आप तो लाइट वगैरह चल रही है, तो अच्छा नज़ारा है पीछे, तो दूर तक आप देखें तो सही है, बिल्कुल नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको बहरीन सिटी सेंटर, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये नज़ारे हैं, डेकोरेट किया हुआ है बिल्कुल धूप से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो उस हिसाब से इसको धूप से बचने के लिए बंदों को इस तरह से किया गया है कि ताकि धूप ना आए। काफ़ी पुरानी मार्केट है ये, और चाय वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ले चलते हैं आपको। तो सामने एक और क्राफ्ट की शॉप है, तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्राफ्ट वगैरह की शॉप्स हैं, हैंडमेड क्राफ्ट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ये सूख है बहरीन, गली बिल्कुल पुरानी पुरानी है, इधर देखे तो पुरानी गली है छोटी सी, अगर भी जब जाएंगे तो छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, वॉक करने के लिए बनाया गया है, तो इस पर चलते रहना आगे बढ़ते रहे। तो बहरीन में चाट पुचके का स्टॉल है, अपनी देसी दुकान है इंडियन स्वीट्स की, तो इधर चाट पुचका बनवा रहा हूँ, और साथ में पाव भाजी भी है, उसके अलावा फोफी जो बचपन में खाते थे वो भी है, और पीछे स्वीट्स का सारा स्टॉल लगा हुआ है। तो ये अब तक का है सीन, बहरीन में आइए और पानीपुरी खाइए बहरीन जो है सिटी सेंटर के पास आकर। शॉप का क्या नाम है? सो पनामा स्वीट है शॉप का नाम। तो यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें, लोकेशन मैं डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जाके वहाँ पे जा सकते हैं इजली। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर, बाय। सो दोस्तों गोल्ड की मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे हैं तो गली और पतली होती जा रही है और डेस होती जा रही है, तो इन गलियों में भी कार वगैरह आती रहती है। तो ये भी देखिए आगे जाके गली में आप, तो सारा के सारा जो है गोल्ड का शॉप का ही है इधर अंदर में। तो दोस्तों मार्केट को पूरा सजा रखा है यहाँ पे, और बिल्कुल इंडियन माहौल है,
पटना बाग, पटना मार्केट लग रहा है मुझे, पटना का ही उसी टाइप का बनाया हुआ है पुराने ज़माने का। आप बिल्डिंग भी देखेंगे तो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं काफ़ी। दोस्तों पीछे का माहौल है बिल्कुल इंडिया की तरह है, मार्केट वगैरह यहाँ बहरीन का, तो सिटी सेंटर का मार्केट है, काफ़ी पुराना मार्केट है और बिल्डिंग भी आप देखेंगे तो काफ़ी। दोस्तों बहरीन का सिटी सेंटर मेरे पीछे जो आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं पीछे। ये नज़ारा अच्छा है, शाम का वक्त हो गया ऑलमोस्ट 6-10 हो गए हैं और हमें यहाँ से वापस भी जाना है सऊदी अरबिया, तो मेरे ख्याल से 2 घंटा लगेगा ड्राइव करके जाने में। हाई स्कूल की बिल्डिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है दोस्तों इस पॉइंट जाके। दोस्तों सामने मस्जिद है, ये पता नहीं कब की बनी हुई है लेकिन खूबसूरत बनी हुई जो भी मस्जिद है। और ये सामने एंट्रेंस है बहरीन सूक का, पूरा मार्केट से भरा हुआ है ये, और ये अंदर जाएंगे तो पूरा मार्केट ही मार्केट है यहाँ पे। तो दोस्तों एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। रात का वक्त होने वाला है और सामने तो दोस्तों सारे हाईएस्ट पीपल्स, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहरीन। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा हमने बहरीन के सुपर मार्केट में, लेकिन जो भी गुजारा ठीक ठाक था। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे, और मार्केट काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट मुझे तो इंडिया की तरह लगा पूरा मार्केट, और ज़्यादातर लोग भी आपको हमारे यहाँ के ही दिखेंगे, बहुत कम फॉरनर दिखते हैं। तो ये एक स्क्वायर है और ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग है सेंटर पॉइंट की खूबसूरत सी, और पीछे जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे अब सऊदी अरबिया की तरफ, 2 घंटे ड्राइव करनी है मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए। तो लोग तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया है, अब हम वापस जा रहे हैं सऊदी अरब की तरफ। सामने ही होटल दिख रहा था, वो होटल हयात है, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उसको दूसरा होटल बता दिया, इंटरकॉन्टिनेंटल। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से वापस स्टार्ट हो रहा है रियाद जाने के लिए, सॉरी रियाद जाने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, खोबर जाने के लिए। तो अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी, वेल मेंटेन्ड है, गलियाँ हैं छोटी छोटी, मार्केट बड़ा खूबसूरत है, इन्होंने बहुत सहेज के रखा है इस चीज़ को, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी बहरीन मनामा सिटी। तो आप ज़रूर आएँ फैमिली के साथ घूमने के लिए, एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और भी यहाँ पर रिक्रिएशंस के लिए बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं और म्यूज़ियम है और फोर्ट भी है, तो हमारे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो प्लान करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, अब हमारा जो है यहाँ से रिटर्निंग है, अब ऑन द वे हैं, अब तो जाना है हमें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। सो दोस्तों इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से। बाय।